डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री अशोक कटारिया जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सतीश कुमार गौतम जी, श्री राजवीर सिंह राजू जी, राजवीर सिंह दिलेर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, स्थानीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सभी माननीय चलिए आपको ये जेवर एयरपोर्ट पर ये जो लगातार हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और योगी जी का बयान सुना रहे थे, वो आप फिर वापस रुक करेंगे, लेकिन अभी नितिन रहेजा हमारे साथ बने हुए। नितिन, आप अपनी रिलायंस पर जो व्यू दे रहे थे वो प्लीज कंप्लीट करें आप उनकी। जी, वैल्यूएशन पे बात करेंगे। मेरा मानना यही है कि ये जो डायरेक्शन उन्होंने चूज किया है वो लॉन्ग टर्म है, और ये जो आज जो हमने डेवलपमेंट देखी है वो एक और एक स्टेप है उस डायरेक्शन में, और क्लियरली वैल्यू अनलॉकिंग सब बिजनेसेस में दिखाई पड़ेगी हमें। तो हालांकि रन अप कंसिडरेबल हो चुका है, और जैसे वैल्यूएशन उसके रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस की इनबिल्ट हो चुकी है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू दें तो क्लियरली आई थिंक डायरेक्शन पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में शायद एक यू नो वैल्यूएशन शायद ऑलमोस्ट फुली प्राइस लेवल पे। एक चीज आपसे पता पूछना चाहता हूं आपसे, लगता है इस बीच अभी नितिन जी से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो तस्वीरें से मैं आप देख पा रहे हैं वो जेवर एयरपोर्ट की हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे अपनी बात रख रहे हैं। एक काम करते हैं, सीधा फिर वापस वहीं आपको ले चलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके और हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए बार बार देखना सुनना जरूरी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुत प्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा, और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक स्थल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, चाहे वह देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने के अभियान हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या उत्तर प्रदेश की आस्था को एक नया पंख दे करके यहां की आस्था का सम्मान करने का कार्यक्रम हो, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के पूरे प्रसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश में भी विकास होगा, उत्तर प्रदेश भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, इस विश्वास को आगे बढ़ाने की दिशा से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई दूंगा, उन 7,000 से अधिक किसानों का
जिन्होंने बिना किसी विवाद के जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन स्वयं मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में आकर के उपलब्ध करवाया है, उन सभी किसान भाइयों का भी मैं अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर मैं पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं है। आउटस्टैंडिंग ये देखिए कमेंट्री जो आ रही है कि जेवर एयरपोर्ट का स्पेशल क्या है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और टॉप 5 इन द वर्ल्ड। नितिन से हम बात कर रहे थे इस थीम के बारे में, सीमेंट स्ट्रक्चर।